listeners, manaj sam ka episode number 23 by panaj shah. So let's get started. वो दोनों हेली से उतरकर मैनचेस्टर की सरजमीन पर कदम रख चुकी थी. नौफिल उनके आने से पहले ही मौजूद था. उसने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ रखा था. वो सुभान से उम्र में बड़ा था, शायद उसका कोई सीनियर था. वो उन्हें लिए घाड़ी की तरफ बढ़ रहा था. वो चुपचाप उसकी हमराही में चलती हुई घाड़ी तक आई थी. कैसी हो बेटा तुम दोनों, नौफिल ने ड्राइविंग सीट पर बैठते कहा था. वो दोनों पीछे पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी. हम ठीक हैं भाई, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा था. मेरा नाम नौफिल है, लाहौर में हॉस्पिटल में मैं उसका सीनियर था. फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया और मुझे यहाँ जॉब मिल गई और फिर बस अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया. नौफिल ने भी मुस्कुराते हुए अपने बारे में बताया था. जी भाई, सुभान भाई बता चुके हैं आपके बारे में, सारा ने खुशकुन लहजे में कहा था. अभी मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ लंच कर लेना और सुभान से बात कर लेना, फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ आऊँगा, नौफिल ने ड्राइविंग पर फोकस करते कहा था. जी, ज़ारा बस इतना ही कह पाई थी. अलीहा इस सारे लम्हे में एक बार भी नहीं बोली थी. उसे ना तो वो सरज़मीन पसंद आई थी और ना ही वहाँ की आबोहवा और ना ही रुई की तरह बरसती बर्फ. उसका दिल परेशान हो रहा था अजीब से हदशे से, इसलिए वो बस चुपचाप घाड़ी से गुजरते मनासिर को देख रही थी. कुछ देर बाद वो नौफिल के घर थी. नौफिल की बीवी बहुत सादा और नेक खातून थी. उसके दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा. बेटी 5 साल की थी और बेटा 2 साल का. एक मुकम्मल फैमिली थे वो लोग. सारा को उनसे मिलकर ज़रा भी ऑकवर्ड महसूस नहीं हुआ था. उनका लहजा बहुत अपनायत भरा था. उससे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनों में ही है. और कुछ देर में तो वो असहान को भी भूल गई थी. फिर नौफिल को सुभान की वीडियो कॉल आई थी. नौफिल ने रस्मी सलाम दुआ और उनकी हैरियत की इतला देकर फ़ोन ज़ारा को पकड़ाया था, जिससे अलीहा ने उचक लिया था. कैसा है हमारा गैंगस्टर, सुभान ने उसकी स्क्रीन पर उभरती तस्वीर देखकर पूछा था. ये किस बर्फीले शहर में भेज दिया है पीटरमैन मुझे, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. उसने सुभान से गिला किया था. पीटरमैन की जान, सदा थोड़ी रहना है वहाँ, बस 2 माह की बात है फिर हम वापस आ जाएंगे यहाँ अपने मुल्क, उसने उसे तसल्ली दी थी. वो नाराज़ थी और उसे चुपचाप देखे जा रही थी. अलीहा नाराज मत हो यार, देखो ये तुम्हारी सेहत के लिए ही है, वहाँ इलाज होगा तुम्हारा और फिर वो जगह वो शहर बहुत खूबसूरत है, हम रोज़ राइड पर जाया करेंगे, मैं भी रात तक तुम लोगों के पास होऊंगा, उसने उसे फिर से तसल्ली दी थी. तो ठीक है फिर पीटर पैन, अमल को लेकर आना, उसने खुश होते कहा था. अमल को नहीं ला सकता यार, अगर अमल को ले आया तो घर पर कोई नहीं होगा और ऐसे अकेले घर पर कोई भी कब्जा कर लेगा. वो घर तुम लोगों का है, उसमें दुरैद अंकल की यादें हैं, हम ऐसे ही उसे खो नहीं सकते, उसने अपने तई उसे समझाने की कोशिश की थी. अच्छा ठीक है, मगर पीटर पैन जल्दी आना, उसने दिल पर पत्थर रखकर उसके साथ एग्री किया था. तुम ठीक हो, अलीहा ने मोबाइल ज़ारा को दिया था. अब सुभान उससे पूछ रहा था. वो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं उससे, सारा को अपनी कब फिक्र थी, उससे तो बस असहान के बारे में पूछना था. पता नहीं अब तक तो कोई हंगामा नहीं हुआ, सब बहुत खामोश है, शायद वो घर तक नहीं पहुंचा या फिर उसका किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, सुभान ने आम लहजे में कहा था. माहिर से पूछा वो उसे कहाँ छोड़कर आया था, उसे सुभान के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी. हाँ माहिर कह रहा था वहाँ से 50 किलोमीटर दूर छोड़कर आया था, सुभान ने फिर आम से लहजे में जवाब दिया था. ज़्यादा सुनसान तो नहीं थी जगह, उसने अगला सवाल किया था. नहीं ये मैंने नहीं पूछा इतनी डिटेल से, सुभान अब बेजार हुआ था. देखो सुभान उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वो फूलों की तरह पला होगा, कांटा चुभना भी उसकी ज़ात पर बड़ी तकलीफ़ की तरह गिरां गुजरता होगा, वो जुल्म करना जानता है, जुल्म सहना नहीं, वो ऊपर से सख्त है और दिल का नरम, उससे उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा ना आजमाना, उसने भराई आवाज़ में कहा था. ज़ारा मुझे इन सब बातों से गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो मरे, इट्स नन ऑफ अस बिजनेस, तुम सेफ हो दैट्स द पॉइंट, तुम सेफ हो दैट्स द पॉइंट, जो कुछ पीछे छोड़कर आई हो उसको भूलने की कोशिश करो, हमारी जिंदगियों में कोई अस्थान खयात मलिक नहीं था, ये बात याद रखना, उसने बेजार लहजे में उसे समझाते हुए कहा था और फोन बंद कर दिया था. वो सोकर उठी थी तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई थी, बेड भी खाली था, उसे याद था वो अरहान की बाहों में सोई थी मगर वो अब कहीं नहीं था. ड्रैगन इधर ही कहीं छुप कर बैठा होगा मेरी जान चलाने के लिए, उसने ज़र लब कहा था. फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी, वो भी खाली था. कहाँ गया ये अरहान, कहीं ज़ारा और अलीहा, उसने किसी डर के तहत जल्दी से बेड पर बैठ कर मोबाइल हाथ में पकड़ा था कि उससे मायदा की कॉल आई थी. हेलो मायदा, सब ठीक है ना, मायदा के बोलने से पहले ही वो बोल उठी थी. अमल मेरी बात गौर से सुनना, ज़ारा और अलीहा इस टाइम मैनचेस्टर हैं और सुभान भी शाम तक अपने ऑफिस की तरफ से
मिली गई बीबीसी न्यूज़ की ऑफर के जरिए पहुंच जाएगा। तुम परेशान मत होना और अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम उल्टा पड़ जाना, कहना कि वो असहान के साथ ही तो अब कहाँ है, और यही कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं अब तुमसे ये मामला ठंडा होने के बाद ही बात करूँगी। मायदा ने एक सांस में ही उससे जल्दी जल्दी सब कहा था कि तुम लोग करते क्या फिर रहे हो, मुझे पूरी बात बताओ। उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। पास कौन है तुम्हारे, उसने राजदारी से पूछा था। कोई भी नहीं है, अरहान भी पता नहीं कहाँ चला गया है, अकेली हूँ कमरे में इस वक्त मैं, उसने मायदा को बताया था। ओके अब सुनो, मायदा ने सारी प्लानिंग ज़ारा असहान का दरगाह जाना और फिर वहाँ से असहान का अगवा होना सब बताया था, और फिर माहिर का उसे किसी वीरान जगह छोड़ना और अली और ज़ारा का हेली के जरिए मैनचेस्टर हैरियत से पहुँचना सब कुछ बताया। क्या वाकई इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर ही नहीं, वो हैरान हुई थी। हाँ अब शुक्र है वो सेव हैं, और तुम भी अपना ख्याल रखना, ज़ारा और अलीहा से किसी भी सूरत कोई कांटेक्ट ना करना वरना उनको मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है, मायदा ने उससे फिर से समझाया था। ओके मैं ख्याल रखूँगी, मेरी फिक्र मत करना, तुम और ज़ारा और अलीहा से प्लीज़ रबते में रहना, उसने मायदा को कहते कॉल डिसकनेक्ट की थी। उफ़ असहान, हयात मलिक तुम्हारी और तुम्हारे भाई की हालत देखने वाली होगी, मज़ा आने वाला है बहुत। जिस तरह तुमने हम तीनों बहनों को तड़पाया है ना, बेबस किया है, वैसे ही तुम भी बेबस होगे, तड़पोगे, अमल ने खुश होते दिल में कहा था। और अरहान कबीर मलिक, तुमसे तो बहुत जल्द मैं पीछा छुड़वा लूँगी, अमल दुरैद सनान माजिद की थी और हमेशा रहेगी, कहते वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी, अब उसे सिर्फ और सिर्फ अरहान और असहान की वापसी का शिद्दत से इंतज़ार था। वो प्रेजेंटेशन जमा करवा कर यूनिवर्सिटी का गेट पार कर रही थी, कल से उसे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि वो मोबाइल ही देख ले। पहले डेल्टन के साथ वो सब कुछ डिस्कस करने लगी थी, फिर बातें करते पता ही नहीं चला काफ़ी लेट नाइट हो गया। सुबह प्रेजेंटेशन जमा करवाने की लास्ट डेट थी, तो फिर प्रेजेंटेशन बनाने लगी और फिर लेट सोई, और सुबह उठते ही बस भागम भाग यूनिवर्सिटी आ गई प्रेजेंटेशन जमा करवाने। अब तुम्हारी इकलाई कैसी है, इस बार जेमिनी की बजाय एबक आया था उसके सामने, तुमसे मतलब, उसका दिल क्या, काश वो ड्रैकोला होती और इस हबीस इंसान के जिस्म का सारा खून पी जाती, मगर नहीं, उसका खून तो ड्रैकोला भी नहीं पीना पसंद करेगा, उसने कराहियत से सोचा। तुम्हें लगता अभी भी अकल नहीं आई, उसने अफसोस करते कहा था। देखो एबक, मेरे मुंह मत लगो, मैं तुम सबको तुम्हारे हाल पर छोड़ती हूँ, जो करना है करो मगर मेरी जान छोड़ो, उसने उसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते कहा था। ओह तो तुम अपनी दोस्त को मरने दोगी, उसने गहरी नजरों से उसे खोजते कहा था, जैसे उसे उसकी बातों पर यकीन ना हो। हाँ मरने दूंगी अपने दोस्त को, कौन सी दोस्त, वो जिसने मुझ पर नहीं तुम पर इतबार किया, वो दोस्त जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी दोस्ती कुछ भी नहीं है, तो अब वो जिए या मरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो इस सब का खुद हिस्सा बन रही है तो मैं क्या करूँ, कहते वो मोबाइल ऑन करते आगे बढ़ी थी। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी बनने की कोशिश कर रही हो, इससे पहले कि वसान की तरफ से आई मैसेज को खोल दी, उसने उसके हाथ से मोबाइल पकड़कर खींचा था। क्या तकलीफ है, हट गई हूँ तुम्हारे और बेंस के रास्ते से, अब क्या मसला है, तुम्हें मोबाइल दो मेरा और शक्ल गुम करो अपनी, वो चीखते हुए बोली थी। क्या तुम्हें ये चाहिए, उसने उसके सामने मोबाइल लहराते हुए कहा था और फिर मोबाइल पकड़कर पूरी ताकत से रोड पर फेंका था कि उसके पुर्जे पल में इधर उधर बिखरे थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उन पुर्जों को इकट्ठा करती, यूनि बस उन पुर्जों के ऊपर चढ़ती, उसके मोबाइल की रही सही होने की उम्मीद भी तोड़ गई थी। एबिक का उसकी हालत देखकर बुलंद बांग कह कहा फिजा में गूंजा था, और नश्रा ने एक मिनट की देर लगाए बगैर अपने हाथ में पकड़ी किताबें पूरी शिद्दत से उसके सर पर मारी थी और अगले ही लम्हे भागते हुए वहां से वॉकआउट कर गई थी। यू एशियन गर्ल, उसने घूमते सर के साथ कहा था। हमला पुरजोर था नश्रा का और एबक के 14 तबक रोशन हुए थे, वो वहीं पर सर पकड़े बैठ गया था। सो लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नॉवेल्स एंड एपिसोड्स। थैंक यू।